हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मिसिंग नंबर के कुछ एनर्जेटिक एंड बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को स्वरूप का अध्ययन करना है, मतलब कि सारे नंबर किस फॉर्मेट में लिखे गए हैं, किस रूल के हिसाब से लिखे गए हैं, ये आप लोगों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पे 91 काट देंगे, 13 सत्ते 91 7 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 चौका 8 और 7 और 4 जो आया है गुणा कर देंगे तो आपका बीच में आ जाएगा 7 चौका 28। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाले में भी करेंगे, देखिए ध्यान से 11 5 55 17 चौका 68 5 और 4 गुणा करेंगे आपका बीच में आ जाएगा 20। ठीक है, तो सेम तीसरे वाले में करेंगे 7 8 8 बढ़ जाएगा 7 8 56, यहाँ पे गुणा करेंगे 9 3 27 क्या आया है आपका 8 और 3, तो 8 और 3 का गुणा कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा 24, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका 24। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह है, लैंग्वेज इसमें भी वही है सेम। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 14 लिखा है, यहाँ पे 56 काट देंगे, कितना आएगा 4 आएगा, 14 चौके 56, यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ पे भी 4 आएगा। अब क्या करना है, वहाँ पे पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने गुणा किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 4 प्लस 4 8 आएगा और 8 आपका बीच में दिखा गया है। ठीक है, तो सेम दूसरे वाले में देखिए 13 5 65 5 आएगा, 18 3 54, यानी 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आपका आ जाएगा। तो सेम तीसरे वाले में वही प्रोसेस करेंगे, 12 7 84 8 चौका 32, यानी 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप लोग बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 11 28 327 5125 और यहाँ पे 3 लिखा गया है और आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 11 को मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ। ठीक है, 1 1 28 है, उसके बाद 2 8। ठीक है, 327 है तो पहला डिजिट जो है और बाकी डिजिट 7 में। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब बीच में लिखा गया है 3, इसका क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ पे जो पहला डिजिट लिखा है 1 का क्यूब बराबर 1, 2 का क्यूब बराबर 8, 3 का क्यूब बराबर 27, इसी प्रकार इसे भी लिखा गया है 5 5 का क्यूब बराबर 125। ठीक है, यानी 5 125 लिखा गया है, तो 5 को अलग 125 को अलग 5 का क्यूब करना है। ठीक है, 5 का क्यूब 125। ठीक है, क्योंकि 3 जो है बीच में लिखा गया है तो उसका मतलब है क्यूब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो आप लोगों को ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, जैसे पहला देखिए 4 126 लिखा गया है, तो 4 4 का क्यूब करेंगे क्या आएगा आपका 64 आएगा, तो 4 64 साथ में होना चाहिए, तो 4 64 आपका सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो यानी आपका क्या भरा जाएगा 464, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 464। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 और बीच में 18, तो 3 और 6 का गुणा कर देंगे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 9, 6 और 9 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो सेम 9 और 3 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या आएगा 27। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें 27। ठीक है, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि आप लोगों को बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, यहाँ पे देखिए 29 है, यहाँ पे 113, अगर 29 और 113 को जोड़ेंगे तो आपका 142 आ जाएगा, 29 29 प्लस 113 जोड़ेंगे तो आपका 142 जो है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 27 69 27 में 69 जोड़ देंगे तो आपका 96 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 96 लिखा गया, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इस कॉलम में करना है आप लोगों को, 21 प्लस 57 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 78। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका 78, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 78। ये है आपका पांचवा क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर छः देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप लोग बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले रो में देखिए 17 लिखा गया है, 22 लिखा गया है। अगर 17 में 22 जोड़ दें तो आपका आएगा 39। अब 39 में से 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 37। क्या आ जाएगा आपका? 37। अब 37 यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 कहाँ से आया, अभी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। यहाँ पे देखिए 23, 23 में 28 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 51। अब 51 में से अगर 8 घटाएंगे तब आपका आएगा 43। यहाँ पे है 43। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 2 घटाया गया, यहाँ पे 8 घटाया गया, ये 2 8 आया कहाँ से? तो यहाँ पे 22 में देखिए इकाई वाला अंक 2 है इसलिए 2 घटाया गया, 28 में इकाई वाला अंक 8 है इसलिए 8 घटाया गया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस तीसरे रो में करना है, ठीक है। तो आप लोग चेक करेंगे तो 16 के साथ अगर 21 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 37। अब 37 में से क्या घटाना है आप लोगों को? आप लोगों ने 21 जोड़ा है तो 21 का 1 घटाएंगे, 37 में से 1 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 36। यहाँ पे लिखा गया है 36, ठीक है, 36 यहाँ पे लिखा गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 21। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे 168, 504, 1512, यहाँ पे आप लोग बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 1512 है, 1512 अगर इसमें 3 से भाग कर दें तो आपका आ जाएगा 504, ठीक है, 504 आ जाएगा। अब 504 में अगर 3 से भाग करेंगे तब आपका आ जाएगा 168, यानी ये भी मिल जाएगा आपका। अब आप लोगों को 168 में 3 से भाग कर देना है तो आपका मिल जाएगा 56। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका? 56, ठीक है, यहाँ पे आपका भरा जाएगा 56। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें भी आप लोग बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 से 10 हो गया है, यानी कितना ऐड हुआ है? प्लस 6। यहाँ पे देखिए 10 से 20 हो गया, यानी यहाँ पे देखिए 10 जोड़ना पड़ा है। अब 20 से हो गया 34, यानी यहाँ पे 14 जोड़ना पड़ा है। यहाँ पे देखिए 34 से 52, यहाँ पे 18 जोड़ना पड़ा है, और आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, 6 से 10 हुआ है यानी प्लस 4, 10 से 14 यानी यहाँ पे भी प्लस 4, 14 से 18 यहाँ पे भी प्लस 4, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस 4 होगा, यानी 18 4 22, 18 4 क्या आएगा? 22। अब 22 को जोड़ देंगे 52 में, ठीक है, यहाँ पे 52 है, 52 में क्या जोड़ेंगे? 22, 2 2 4 5 2 7, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 74। यहाँ पे जो डी लिखा गया है डी, ठीक है, 74 आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।